महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीख को लेकर लग रहे सारे कयासों को आज खत्म कर दिया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग शनिवार दोपहर दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान करने जा रहा है। शनिवार दोपहर 12 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणाएं की जाएंगी। 2014 में हरियाणा का चुनावी गणित आपको बताते हैं। हरियाणा की 90 में से 47 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। पहली बार हरियाणा में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिला था और मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में वहां सरकार बनी थी। तारीखों का ऐलान से नतीजे तक यह है पूरी प्रक्रिया, चलिए आपको बताते हैं। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही दोनों राज्यों में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव घोषणा करने के 7 दिन के अंदर आयोग को नोटिफिकेशन जारी करना होता है। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 7वें दिन नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नामांकन भरने के अंतिम दिन के बाद अगले दिन चुनाव अधिकारी उम्मीदवारों के फॉर्म की छंटनी करता है। छंटनी करने के बाद 2 दिन का समय नाम वापसी के लिए दिया जाता है। नाम वापस लेने के अगले दिन से उम्मीदवार को 14 दिन प्रचार के लिए मिलते हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने के 3रे दिन मतदान होता है। इसकी अगली सुबह चुनाव आयोग रीपोल के लिए एक दिन रिजर्व रखता है। रीपोल के 3रे दिन मतों की गणना के साथ ही नतीजे घोषित किए जाते हैं। चुनाव आयोग चाहे तो नतीजे घोषित होने के 2रे दिन ही नतीजों से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, यानी चुनाव आयोग की भूमिका यहां ख़त्म हो जाती है। फिर सरकार बनाने के लिए राज्यपाल की भूमिका शुरू होती है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।